हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मदुरई थाली स्टाइल चटनी। साउथ इंडियन चटनी है और ये कोकोनट के बिना बनती है और काफ़ी टेस्टी बनती है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे तैयार होगी। साउथ इंडियन मदुरई थानी चटनी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे चना दाल। नॉर्मल चना दाल लेनी हो उसको आपको रोस्ट करना है। मैंने यहाँ पे 1/4 कप चना दाल ली है जिसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। ऐसे ही आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है इसको अच्छे से। और यहाँ पे मेरी चना दाल अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। इसमें से एक अच्छी महक आने लगेगी। जैसे ही रोस्ट होने लगेगी तो अच्छी सी महक आने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये रोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अपनी दाल को ठंडा कर लूंगी। उसी पैन में मैं वापस से डालूंगी 1 चम्मच ऑयल। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी, यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर, ये 1 इंच का टुकड़ा है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया। साथ ही मैं डालूंगी यहाँ पे लहसुन, तो लहसुन की कलियां मैंने डाले हैं यहाँ पे, 3 लहसुन की कलियां डाली हैं, 2 हरे मिर्च हैं। और उसके बाद मैं साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अनियन। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा सा साइज का अनियन लिया है जिसको मैंने ऐसे रफली चॉप किया है और इन सबको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। प्याज को हम यहाँ पे ट्रांसलूसेंट कर लेंगे और जो लहसुन है उसका कच्चापन निकाल लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन हो जाए लहसुन, बस तब तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे ये अच्छे से सॉटे हो गया है और मैं इसको भी निकाल लूंगी। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ठंडा कर लूंगी। यहाँ पे मेरी सारी चीजें ठंडी हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसको डालूंगी इसके अंदर मिक्सिंग जार में। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी जो हमने रोस्ट करी थी चना दाल उसको। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच के लगभग नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी जो चटनी है वो अच्छे से पीस चुकी है। वापस से मैं लूंगी पैन और पैन के अंदर डालूंगी मैं ऑयल। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच ऑयल डाला है। सरसों का तेल गर्म होते ही मैं इसके अंदर डालूंगी यहाँ पे उड़द की दाल को। मैंने लगभग लिया यहाँ पे 1/2 चम्मच। इसको मैं अच्छे से इसके अंदर सॉटे कर लूंगी जो हमारी दाल है वो अच्छे से कुक हो जाए। अगर आपके पास छिलके वाली है तो आप छिलके वाली ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास विदाउट छिलके वाली है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी यहाँ पे राई, वो भी मैंने यहाँ पे डाली है 1/2 चम्मच। और साथ ही मैं इसके साथ डाल रही हूँ यहाँ पे कड़ी पत्ता। और इन सबके साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अनियन फाइनली चॉप किया हुआ। ये एक अनियन है जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था और इसको मैं अच्छे से इसके साथ सॉटे कर लूंगी। और प्याज तो यहाँ पे हल्का सॉटे होते ही अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी चटनी। तो यहाँ पे मैं जार से ट्रांसफर करूंगी चटनी को और इसी के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके भी हम डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए। और जार के अंदर जितनी भी चटनी है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे मेरी चटनी एकदम तैयार है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप चटनी इसके अंदर ऐड करोगे ना पैन में तब आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है। और यहाँ पे आप सॉल्ट वगैरह चेक कर सकते हो और पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल जो मेरी चटनी है वो एकदम तैयार है। और ये देखिए दोस्तों मेरी चटनी जो है वो एकदम तैयार है। और आप इसे इडली के साथ, बड़े के साथ या फिर आप उत्पम के साथ सर्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हांडवो बनाया हुआ था तो मैंने उसके साथ यहाँ पे इसको सर्व करा है। ये चटनी जो है बहुत टेस्टी बनती है, काफ़ी जल्दी बन जाती है। और इसमें खास बात है कि इसमें कोकोनट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो आप घर की ही इन्ग्रीडियंट के साथ इसको तैयार कर सकते हो। जब आप ऐसा साउथ इंडियन फूड बना रहे हो तो आप इस चटनी को बना के ट्राई कर सकते हो और ये काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी बनी। We'll be right back.